तो गाइस एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटमेनिया की पूरी स्टोरी लीक हो चुकी है एंड वो एकदम डिफरेंट है उन फैन थ्योरीज से जो कि हमको सुनने को मिल रही थी। और तुम्हारे भाई को पूरी की पूरी स्टोरी पता है इंक्लूडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन एवरीथिंग। एंड गाइस यू विल बी शॉक्ड आफ्टर नो दैट वूल स्टोरी। बस आपको इतना सा हिंट दे दूं कि गाइस मार्वल ने लिटरली फाड़ दिया है और इसीलिए 5 मिनट तक बस बैठ जाओ और वीडियो को बिल्कुल भी जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग होती है जेनेट से जब वो क्वांटम वर्ल्ड की दुनिया में थी और हमें एक शिप दिखाया जाता है जो कि आसमान से गिर रहा होता है और उसके बाद में कुछ लिविंग बींग्स जेनेट पर अटैक कर देते हैं जिनसे कि केंग जेनेट को बचाता है। एंड उसके बाद में हमें स्कॉट की लाइफ दिखाई जाती है एंड ऑफ कोर्स उसकी बेटी केसी के बारे में हमको जानने को मिलता है जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। एंड वो एक लाइटनिंग बोल जैसा कुछ बनाती है जो कि सिग्नल्स भेजता है क्वांटम वर्ल्ड में एंड उन सिग्नल्स को कैच कर लेता है। गेस करो कौन? यस, अपने मोडोक भैया। क्या तुमको लगा था कि केंग कैच कर रहा है? नहीं, मोडोक भैया कैच करते हैं। तो अपने मोडोक भैया स्कॉट और उसकी पूरी फैमिली को वेकेशन के लिए क्वांटम वर्ल्ड में बुला लेते हैं और उसी बीच स्कॉट और केसी अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। एंड चूंकि जेनेट यहाँ इतने टाइम तक रही है तो वो यहाँ सब लोगों को जानती है बट ये बात अपनी स्कॉट की फैमिली नहीं जानती है। एंड उसके बाद वो हेल्प मांगने जाती है काइलर से जो कि उसका क्लोज फ्रेंड हुआ करता था। एंड मार्वल ने अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया कि कितना क्लोज था। वेल, आगे जेनेट का क्लोज फ्रेंड उसकी हेल्प करने से बिल्कुल मना कर देता है, उल्टा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है बट अपनी एंटमैन की फैमिली कैसे ना कैसे करके वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ स्कॉट कुछ लोगों से मिलता है जो कि जेनेट को जानते हैं बट उसी बीच मोडोक की आर्मी उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। एंड फाइनली अपने मोडोक भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और स्कॉट को भी ये पता चलता है कि वो डेरेन है और वो कैसे यहाँ पहुंचा वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। और उसके बाद में अपने मोडोक भैया स्कॉट और केसी को बंदी बना के जेल में बंद कर देते हैं। और आपको बता दूं मोडोक बेसिकली केंग के लिए ही काम करता है। एंड आगे जेनेट अपनी बैक स्टोरी के बारे में पूरी फैमिली को बताती है कि कैसे केंग ने उसको धोखा दिया और उन दोनों ने मिलकर एक मशीन बनाई जिससे कि वो इस दुनिया से बाहर निकल सके। एंड वो वापस जाकर के क्या करने वाला है जब ये सब कुछ जेनेट को पता चलता है। जेनेट उस डिवाइस को एक टाइम लूप के अंदर फंसा देती है जिससे कि केंग इस दुनिया से बाहर निकल सकता था और उसके बाद केंग वहीं फंस जाता है और जेनेट उसे भक्ति छुपती रहती है। एंड फाइनली स्कॉट की फैमिली उसको वहां से निकाल के बाहर ले जाती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था क्योंकि केंग उसे कई सालों से ढूंढ रहा है ताकि उससे बदला ले सके। एंड आगे केंग स्कॉट से सीधा सीधा डील करता है कि तुम मुझे वो वापस ला दो जो जेनेट ने मुझसे छीन लिया था, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहले तो अपना स्कॉट साफ साफ मना कर देता है बट जब केंग केसी को टॉर्चर करता है तो अपना स्कॉट मान जाता है और वो उस जगह चला जाता है बट वहां वो एक टाइम लूप के अंदर फंस जाता है। मतलब कि एंटमैन के दिमाग में जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएंगी उतने ही एंटमैन के अवतार वहां प्रकट हो जाएंगे। एंड एंटमैन के बहुत सारे स्ट्रगल के बाद उस डिवाइस को लेने में कामयाब हो जाते हैं जो कि केंग को चाहिए था। केंग स्कॉट से वो डिवाइस ले लेता है बट केसी को छोड़ता नहीं है। उसके बाद में अपना स्कॉट एंटमैन आग बबूला होकर बड़ा बन जाता है और केंग और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए आ जाता है और उसके बाद में एक बड़ी फाइट होती है जिसमें मोडोक भी स्कॉट और उसकी फैमिली के साथ हो जाता है और स्कॉट और उसकी फैमिली मिलकर मोडोक के साथ में केंग को हरा देते हैं बट अनफॉर्चुनेटली उस फाइट के अंदर अपना मोडोक मर जाता है। लेकिन स्कॉट और उसकी पूरी फैमिली बच जाती है और उस डिवाइस से वो वापस जाने के लिए एक पोर्टल खोलते हैं और उसी बीच अपने केंग भैया वापस से प्रकट हो जाते हैं और स्कॉट को पकड़ लेते हैं और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें कि ऑफ कोर्स अपने एंटमैन की बहुत पिटाई होती है बट तभी अपनी होप पोर्टल से वापस आती है। इन दोनों मिलकर के केंग को हरा देते हैं, वो मर जाता है और वो पोर्टल भी बंद हो जाता है जिससे कि वो वापस जा सकते थे बट अपनी केसी जुगाड़ लगाकर किसी ना किसी पोर्टल को वापस खोल देती है और अपने स्कॉट और होप अर्थ 616 पर वापस आ जाते हैं। एंड दैट्स इट। अगर आपको इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।